A famous education activist and a Nobel Prize winner, Malala Yousafzai had once said that one child, one teacher, one pen and one book can change the world. And even I firmly believe that if a country has to progress, it can only progress through education, and especially a country like India. तो अगर आपको देश की तरक्की देखनी है तो आप देश की एजुकेशन सिस्टम देख लें। तो देश की एजुकेशन सिस्टम देखने के लिए मैं देश के एक सरकारी स्कूल में जाता हूँ, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मैं जाता हूँ ये उम्मीद लेकर कि बच्चे वहाँ बैठकर अपनी किताबों में मगन होंगे, अपने कलम से कुछ लिख रहे होंगे या गेंद से कुछ खेल रहे होंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैं, जो मैं देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। जी हाँ, शायद आप भी ये देखकर दंग रह गए होंगे कि बच्चे किताबों से पढ़ने के बजाय वहाँ झाड़ू लगा रहे थे। तो एक पल के लिए मैं ये सोचा कि शायद बच्चे स्वच्छ भारत अभियान में मगन हैं, पर जी नहीं, उनसे पूछने पे मुझे ये पता चला कि स्कूल स्टार्ट हुए 9 महीने हो गए हैं पर सरकार ने उन्हें अब तक किताब नहीं दिए। 9 महीने हो गए हैं पर सरकार ने उन्हें अब तक किताब नहीं दिए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप उनके मुझे सुन लीजिए। मेरा नाम मेघा है, मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी बुक में इधर लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा, इधर खाली पे दे रखे हैं। पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है। मेरा नाम पूमा है, मैं 5वीं पढ़ती हूँ। मैं नगर निगम बाल बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरी मुझे साइंस की बुक मिली है और उसमें मेरा मैप बुक का मैप उल्टा आएगा और इसमें कुछ समझ में भी नहीं आता। रविंद्रनाथ टैगोर हैड सेड व्हेन द माइंड इज विदाउट फियर व्हेन द हेड इज हेल्ड हाई एवन नॉलेज इज फ्री। उनके ये कहने का मतलब था कि देश में एजुकेशन फ्री हो और एजुकेशन पे किसी के मोनोपोली ना हो। आई एम हैप्पी दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, पर फ्री का एजुकेशन ऐसा होगा मुझे ये मालूम नहीं था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द अगली फेस ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे किताब 9 महीने लेट आता है और आने के बाद किताब मिसप्रिंट होता है और किताब में ब्लैंक पेजेस होते हैं और मैप अपसाइड डाउन प्रिंट होता है। कि दिल्ली में कुछ 3500 गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल है और आधे स्कूल MCD यानी BJP के अंदर है और आधे स्कूल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी के। आई नॉट नो विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, विच एवर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई रिक्वेस्ट यू to look into the matter and to improve the education system. Because if the education system doesn't improve, the country will not progress. आप मुझे क्या बोलकर बुलाओगे? Very good, वली भैया। कोई सर नहीं बोलेगा, ठीक है? अच्छे बच्चे कैसे? मुंह पे उंगली कैसे? ब्रश करे कैसे? कंघी करे कैसे? अच्छे बच्चे कैसे? वेरी गुड, फंटास्टिक। इंजीनियर बनना, मुझे डॉक्टर बनना, अध्यापक बनना, मुझे टीचर बनना, मुझे टीचर बनना।